हाय स्कूटी भाई, मैं मत व्हाट्स अप। अगर तुम पहली बार एनल सेक्स करना चाहते हो, मुझे पता नहीं तुम एक लड़के हो या लड़की, लेकिन अगर तुम पहली बार एनल सेक्स करना चाहते हो तो तुम सही वीडियो पे क्लिक की हो माय डियर फ्रेंड। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तुम सही वीडियो पे क्लिक की हो क्योंकि मैं इस वीडियो पे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि एनल सेक्स पहली बार एनल सेक्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और हर एक टिप अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो शायद एनल सेक्स तुम्हारा बहुत ही दर्दनाक जाएगा या फिर वो अटेम्प्ट फेल होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना अगर तुम सही में एनल सेक्स करना चाहते हो या फिर ट्राई करना चाहते हो, और वो भी अच्छे से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरा चैनल का कंटेंट विजिट करोगे, चैनल का कंटेंट पसंद आ दे, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए। मैं हमेशा ऐसे ही लड़कों के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल मेंस प्लैनेट, हियर वी गो। नंबर वन, ये बहुत ही बेसिक सा टिप है, लाइक माइंडसेट एंड कॉन्वर्सेशन। तुम ऐसे नहीं होगा कि तुम नॉर्मल सेक्स करते करते झट से एनल सेक्स में पहुंच जाओ और शी विल लेट यू डू दैट। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और लड़की के दिमाग में रहना चाहिए कि इट विल हर्ट अ लिटिल बिट मोर देन वेजाइनल सेक्स। और तुमने अटेम्प्ट करने गया वो नहीं हुआ तो तुम्हें शायद डिसअपॉइंटमेंट मिले। लेकिन अगर दोनों का माइंडसेट सही रहेगा, अगर तुम उसे बात किए पहले या फिर तुमने बात किया और वो भी सहमत हुआ, दोनों का सहमत होना ज़रूरी है। तो अगर दोनों का सहमत हुआ देन यू कैन गो फॉर एनल सेक्स। नाउ वेट फॉर टिप नंबर टू। नंबर टू, कैरी अ लुब्रिकेंट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बिकॉज वो छेद पे ना, वो छेद ड्राई रहेगा, ड्राई रहता है। देखो वेजाइनल सेक्स पे वेजाइनल फ्लोज रहता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन अच्छी तरह से होता है, लेकिन एनल सेक्स के टाइम वहाँ पे तुम्हें लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ेगा ही क्योंकि वहाँ पे ड्राई रहता है। तो अगर लुब्रिकेंट नहीं रहा तो फ्रिक्शन में बहुत तकलीफ होगी, अंदर नहीं जाएगा, ठीक से नहीं होगा, इट विल बी अ फेल्ड अटेम्प्ट। सो मस्ट कैरी अ लुब्रिकेंट। नंबर थ्री, ट्राई बट प्लग, द सेक्स टॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स टॉय। देखो हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन इससे काम बहुत ही ईजी हो जाता है। बट प्लग से क्या होता है कि वो होल ना थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाता है, जो कि नॉर्मल पेनिस से शायद पहली बार नहीं खुले, लेकिन बट प्लग होगा तो उसको थोड़ा सा एक से दो मिनट रखने से बट प्लग खुल जाता है और लुब्रिकेंट से बहुत ही ईजी हो जाता है। इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग, बट अगर ये रहा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। नंबर फोर, डोंट स्वाइप द होल्स। यू डिडंट गेट इट राइट। वेजाइनल सेक्स के बाद तुम एनल सेक्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन एनल सेक्स के बाद वेजाइनल सेक्स मत करना। देखो बात ये है ना कि गांड में बहुत ही बैक्टीरिया रहता है। हाँ, इससे तुम्हारा पेनिस में या फिर तुम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बात ऐसा हो जाता है कि वो बैक्टीरिया तुम्हारे पेनिस के ऊपर लग जाता है। हाँ, इससे तुम्हारे पेनिस पे कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लेकिन जब वो एनल सेक्स के बाद तुम झट से वेजाइनल पे पहुंच जाते हो तो वो बैक्टीरिया लड़की के वेजाइना के अंदर चला जाता है, जिससे उसका इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है, स्टोमक क्रैम्प्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो आई थिंक इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल ही मत करना। एनल सेक्स के बाद वेजाइनल सेक्स बिल्कुल नहीं। नंबर फाइव, यूज कॉन्डम्स। अरे यार, समझदार लोग हमेशा कॉन्डम्स यूज करते हैं, राइट? बात ये आ जाता है कि एनल सेक्स पे तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। एनल सेक्स के बाद अगर तुम अंदर डाल दिए तो तुम प्रेग्नेंट नहीं कर सकते या फिर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन रिसर्च शोज दैट एनल सेक्स से ज़्यादा एसटीडी, एके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एचआईवी, ये सारी चीज़ बहुत ही
अच्छे आई मीन बहुत ही तेजी से फैल सकता है एनालिसिक से. सो इट्स अ गुड थिंग लाइक एक कॉन्डम दैट्स इट. हाँ अगर तुम उसे सही तरह से पहचान तो जानते हो देन एनालिसिक्स विदाउट कॉन्डम तो ट्राई कर सकते हो. लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट यूज अ प्रोटेक्शन एंड बोनस टिप फॉर यू. देखो भाई फर्स्ट टाइम ना एनालिसिक्स पे बहुत ही शोर शराबा होगा, बहुत ही होगा लाइक अब क्या कहूँ, होगा बहुत. तो उस शोर शराबा को कैसे सप्रेस किया हुआ जाए इसके लिए कुछ अच्छा प्लेस ढूंढो या फिर ऐसा कुछ काम करो. मुझे नहीं पता क्या करना है. अगर तुम्हें भी नहीं पता मैं बता सकता हूँ. उसके लिए तुम मेरे चैनल का कंटेंट विजिट करो. कंटेंट अगर पसंद आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लो. एंड हाँ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो. नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. तो ये बात हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे राइट अबाउट द प्लेस. ओके एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग मी बाय.